तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कोटक महिंद्रा बैंक की नेट बैंकिंग से किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में कैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं आइए इस वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं और एक बैंक एक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना सीखते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कोटक महिंद्रा बैंक की नेट बैंकिंग में आपको लॉग हो जाना है ठीक है जैसे आप इसमें आई पासवर्ड डाल के लॉग हो जाएंगे देन कुछ इसकी जो होम पेज है इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा अब हम लोग को क्या करना है कि फंड ट्रांसफ़र करना है, है ना तो फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है फ़ंड ट्रांसफ़र का इसी पे क्या करना है सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर देन कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखेगा वो चीज़ें देख लीजिए तो सबसे पहले हमको क्या करना है सेंड मनी वाला पे क्लिक करना है इसी पे जब क्लिक करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे हालांकि इसके नीचे देखेंगे तो कई सारा चीज़ आपको रिसेंट में जिस भी अकाउंट पे पैसे वगैरह भेजे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अब सीधे हम सेंड मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको समझना ये है कि कोई ऐसे व्यक्ति को पैसा भेजना चाहते हैं उसका डाटा आप सेव नहीं करना चाहते हैं यानी कि फिर यदि इन फ्यूचर यदि भेजना हो तो उसका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड वगैरह आपको फिल करना पड़ेगा तो आपको क्या करना है कि आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम ट्रांसफ़र पर आप क्लिक कर सकते हैं आप चाहते हैं कि जो बेनिफिशियरी पहले से हम ऐड कर चुके हैं उस पर पैसा भेजना तो आप इस पर क्लिक करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की किसी और बैंक अकाउंट में आप पैसा भेजना चाहते हैं तो आप इस पर लेंगे आप चाहते हैं कि पैसा भेजने से पहले हम उसकी बेनिफिशरी को ऐड कर ले तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमको ऑलरेडी डाटा रखना नहीं है तो हम सीधे वन टाइम ट्रांसफ़र वाले पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक को चूज कर लेना है या फिर आप चाहे तो यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं हालांकि इसे नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो कई सारे बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको बैंक यहाँ पे चूज कर लेना है आईएफएससी नंबर कोड जो है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है मैं आपको एक चीज़ यहीं पर क्लिक कर देता हूँ जो आई में आपको प्रॉब्लम आती है ना वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझना बेहद ही जरूरी है जैसे कि मेरा आई कोड नंबर इतना है ठीक है तो मैंने इसको यहाँ पे फिल कर दिया है अब नीचे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अदर आ जाएगा अदर आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से आपको फिर जो है अपना आई नंबर को चूज कर लेना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है अदर रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे चल के ऑटोमेटिक जो भी बैंक आपने सेलेक्ट कर लिया है वही रहेगा इसे आपको घबराना नहीं है आई या फिर आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं आई वुड लाइक टू सर्च फॉर द आई कोड लेकिन यहाँ से आपको कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि ऐसा मुझे फेस हुआ है तो आपको यही यहीं पे आईएफएससी नंबर को रहने देना है अदर बैंक है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब चलिए नीचे चलिए नीचे क्या क्या है वो चीज़ें समझते हैं अब यहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया गया है वो चीज़ समझिए यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना है देन आपको वही अकाउंट नंबर देना है यहाँ पे आपको अकाउंट सेविंग है या फिर करेंट है वो आप चूज कर लेंगे बेनिफिशियरी जिस भी व्यक्ति के नाम से अकाउंट है उसे आपको यहाँ पर नाम लिख देना है नीचे देखेंगे तो इसमें कितना पैसा भेजना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है चौबीस घंटे के अंतर्गत पचास हजार से ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकते हैं और यहाँ पे रिमार्क्स ऑप्शन है आप कुछ लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी चीज़ें जैसे फिल करेंगे कंटिन्यू का बटन आपको रेट हो जाएगा देन कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे देन यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें जो है देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका अकाउंट नंबर नेम देखने को मिल जाएगा दाइने साइड में जिस भी अकाउंट पे आप पैसा भेज रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे बेनिफिशियरी की कुछ आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था यदि बैंक अदर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप एक बार ऐड कर दिए तो कर दी वही ही यहाँ पर शो होगा ठीक है देन आप जितना भी पैसे ऐड किए होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपके अकाउंट में कितना पैसा बच रहा है वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे तीन चीज़ें दी है आप चाहते हैं कि इमरजेंसी में पैसा भेजना है तो वन टाइम आईएमपीएस के थ्रू आप भेज सकते हैं जो कि तुरंत चल जाएगा आप चाहते हैं वन टाइम जो फास्ट अवेलेबल यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है या फिर आप शेड्यूल करना चाहते हैं टाइम वगैरह भी और डेट वगैरह भी आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन हम जो है यहाँ पर जल्दी मुझे पैसे भेजना है तो पहला वाले पे हम क्लिक करते हैं जो कि आप देख सकते हैं इसे हम चूज कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है वो चीजें समझते हैं थोड़ा सा अब यहाँ पे ना चीजें आप देखेंगे तो बोल रहा है कि यहाँ पे आपको चार्जेज लग सकता है ठीक है और यहाँ पे नो चार्जेस यहाँ पे नो चार्जेस तो चलिए तो हम दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और दिन नीचे कन्फर्म पे हम क्लिक कर लेते हैं देन आप यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओ आएगा उसे फिल कर देंगे जैसे आप ओ टी पी यहाँ पर फिल कर देंगे तो ये आपको वेरीफाई हो जाएगा और इस तरीके से आप जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मुझे अभी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने इसलिए मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगा लेकिन ये कुछ प्रोसीजर और तरीके हैं कोटक नेट बैंकिंग से किसी भी बिना ऐड किए हुए किसी दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने का यही तरीका उम्मीद है सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर